हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब की। इसमें हम मेनली सारी आर्टरीज कवर कर देंगे जो लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, और मैं आगे और भी वीडियोस डालूंगी जिससे पूरी बॉडी की आर्टरीज कवर हो जाएंगी, और फिर वेन्स की भी डालूंगी। तो बिलीव मी, इट विल हेल्प यू वेरी मच। हाफ ऑफ द एनाटमी विल बी कवर्ड बाय दिस। इट विल हेल्प यू इन सर्जरी, इवन इन मेडिसिन आल्सो। एंड If you do this, this will helpful for you for your future also. And if keep subscribe if you like my video. And bell icon भी click कर देना अगर तुम्हें video पसंद आए तो। और let's start. अब इसमें क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लोअर लिम्ब की आर्टेरियल सप्लाई में हम देखते हैं, सबसे पहले डोर्सल इंटरोशियस आर्टरी बनती हैं और प्लांटर इंटरोशियाई बनती हैं। डोर्सल इंटरोशियाई एंड प्लांटर इंटरोशियाई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये डोर्सल इंटरोशियाई होती हैं जो आगे जाती हैं, और जो प्लांटर इंटरोशियाई होती है वो पीछे बनती हैं। तो जो डोर्सल इंटरोशियाई होती है ना, वो सारी मिल के बनाती है अपनी डोरसेलिस पैडिस आर्टरी। क्या बनाती है अपनी मिल के, डोरसेलिस पैडिस आर्टरी। और जो पीछे होती है प्लांटर इंटरोशिया, वो मिल के लेटरल प्लांटर आर्टरी और जो बाद में जाके पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी में कंटिन्यू करती है। तो डोरसेलिस पैडिस बन के आगे, और वो पीछे से जाके बन जाएगी लेटरल प्लांटर आर्टरी जो डोरसेल जो पोस्टीरियर टिबियल में कंटिन्यू करती है। अब जो ये डोरसेलिस पीडिस आर्टरी होती है, जो डोरसेलिस पीडिस होती है वो क्या बनेगी अपनी, एंटीरियर टिबियल। एंटीरियर टिबियल आगे बन गई और पोस्टीरियर टिबियल पीछे बन गई। अब क्या होगा, डोरसेलिस पीडिस बन गई, आगे बन रही है और पीछे पीछे जाके पोस्टीरियर टिबियल बन गई। अब क्या होगा देखना, जो ये डोरसेलिस पीडिस है ये एंटीरियर टिबियल में कंटिन्यू करेगी, और जो वो लेटरल प्लांटर आर्टरी थी वो पोस्टीरियर टिबियल में कंटिन्यू करेगी। अब हमारी आगे एंटीरियर टिबियल है, पीछे पोस्टीरियर टिबियल है। अब क्या होगा, एंटीरियर टिबियल जो है वो पोस्टीरियर टिबियल के साथ मिल जाएगी, एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल के साथ मिलेगी। एंटीरियर टिबियल जो होएगी वो पोस्टीरियर टिबियल के साथ मिल जाएगी, और जो पोस्टीरियर टिबियल है वो पीछे एक और ब्रांच देगी जो होएगी फिबुलर आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल पीछे एक और ब्रांच देगी जो होएगी फिबुलर आर्टरी। ये अपना पीछे वाला साइड है फुट का, और ये अपना आगे वाला साइड है। दिस इज द इंटीरियर साइड ऑफ द फुट एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द फुट। और ये अपनी कौन सी आर्टरी है, फिबुलर आर्टरी। और ये क्या था, ये एंटीरियर टिबियल है, वो ये पोस्टीरियर टिबियल में मिल गई। अब उसके बाद ये बनेगी पोपलीटियल आर्टरी, जो पोस्टीरियर टिबियल है वो पोपलीटियल फोसा में कंटिन्यू होके बन जाएगी पोपलीटियल आर्टरी। अब जो पोपलीटियल आर्टरी है ना, वो भी अपनी ब्रांचेस देगी, जेनिकुलर ब्रांचेस पोपलीटियल फोसा में, क्योंकि इसको नी को सप्लाई करने ये सब करना है, तो वो अपनी जेनिकुलर ब्रांचेस देगी। ये हम पोपलीटियल फोसा से बना रहे हैं। अब हमने सबसे पहले लोअर लिम के नीचे वाली साइड का ख़त्म कर दिया काफ का। अब पोपलीटियल फोसा में जा रहे हैं, पोपलीटियल फोसा से ये अपनी जेनिकुलर ब्रांचेस देगी, जो सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर होएंगी। नो नीड टू रिमेंबर सच थिंग्स, जस्ट रिमेंबर दे पोपलीटियल आर्टर गिव जेनिकुलर ब्रांचेस। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे, पोपलीटियल आर्टरी आगे हमें पता है कंटिन्यू होएगी फिमोरल आर्टरी में।
जो एडक्टर कैनाल में जाती है, और एडक्टर कैनाल से अपना फिमोरल ट्रायंगल में जाती है, तो ये अब बनेगी फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी बन गई। अब जो ये फिमोरल आर्टरी है, ये देगी ब्रांच ऊपर जाके फिमोरल ट्रायंगल के अंदर जाके प्रोफंडा फिमोरिस, प्रोफंडा फिमोरिस ब्रांच देगी। अब जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो हमारी वाइवा में पूछी जाती है और ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो इसको अब ध्यान से सुनना है। तो अब हम आगे का ड्रॉ करेंगे। ये फिमोरल आर्टरी हमने बना दी और प्रोफंडा फिमोरिस बना दी। अब क्या होगा, जो प्रोफंडा फिमोरिस है वो अपनी ब्रांचेस देगी और वो देगी लेटरल एंड मीडियल सरकमफ्लेक्स फिमोरस, फिमोरिस नाम से पता चल रहा है, फिमोरल के पास घूम के, जो फिमोरल को सप्लाई करती है लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे घूम के, वो वाली आर्टरीज देगी लेटरल एंड मीडियल सरकमफ्लेक्स फिमोरिस। अब उसके बाद आती है फिमोरल की ब्रांचेज और एक्सटर्नल इलिक की ब्रांचेज, जो कन्फ्यूजिंग हो जाती है, तो उसको देखना है। अब ये हम जा रहे हैं फिमोरल, फिमोरल जो होती है एक्सटर्नल इलियक में कंटिन्यू करती है, और ये एक्सटर्नल इलियक है, ये इंटरनल इलियक है, और ये एक्सटर्नल इलियक और दोनों को इंटरनल इलियक मिलके कॉमन इलियक बनती हैं। अब हम एक्सटर्नल इलियक और फिमोरल की ब्रांचेस देखेंगे। ये हमारी एक्सटर्नल इलियक है, ये हमारी फिमोरल है, और ये हमारी है प्रोफंडा फिमोरिस जो अपनी दे रही थी लेटरल एंड मीडियल सरकमफ्लेक्स फिमोरिस। अब जो फिमोरल आर्टरी है उसके ऊपर हमारी है एक्सटर्नल इलियक, वो अपनी ब्रांचेस देती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। अब ये इलियक वाले रीजन पे घूम के आ रही है, तो डीप सरकमफ्लेक्स इलियक इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक किसकी है ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे फिमोरल की ब्रांचेस। अब जो फिमोरल आर्टरी है ये भी दो ब्रांचेस देगी, एक देगी जैसे डीप सरकमफ्लेक्स इलियक दी थी, ये देगी सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक ब्रांचेस। ये डीप दे रखी थी, डीप इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक एंड सुपरफिशियल इज अ ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी, सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। और दूसरी साइड पे ये देगी एक्सटर्नल पुडेंडल, एक्सटर्नल पुडेंडल इसका मतलब इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक, एक्सटर्नल पुडेंडल इज अ ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी, वेयर एज इंटरनल पुडेंडल इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। तो दिस क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन जब हमें पुडेंडल की, पुडेंडल वाली एरिया की सर्जरी, मतलब जो पुडेंडल होता है वो एनल कैनाल के नीचे वाले पार्ट को सप्लाई कर रही होती है, पुडेंडल आर्टरी एनल कैनाल के नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करती है, साथ में यही वेसिकल, वेसिकल वाले एरिया में सप्लाई करती है, तब ये जो नर्व भी उसी के नाम की होती है वो वोलेंट्री एक्शन की करती है, तो इसमें इसकी ज़रूरत होगी। और ये तब ध्यान रखना कि ये फिमोरल आर्टरी की ब्रांच है। एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।